लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, और नहीं तो बिहार के जेलों में रहना होगा। अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। और भाजपा का स्पष्ट तौर पर मानना है, देश को श्रेष्ठ बनाना है, परिवार को श्रेष्ठ नहीं बनाना। और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है, गारंटी है भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। और आप लोगों ने देखा है, चाहे वो 2014 का घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, जिसको मैनिफेस्टो के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प के तौर पर मानती है, 2019 में जो 234 संकल्प की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें 222 हमने पूरे किए थे। बाद में CAA का संकल्प पूरा करके 223 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया है। और आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम लोगों ने 2024 का संकल्प की घोषणा की है, जिसमें ज्ञान, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को पूरी तरह शक्ति के रूप में देखना और पूरे राष्ट्र में नारी शक्ति को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, इस पर संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया है। गरीब कल्याण में लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज, कोरोना जैसे भीषण आपदा को देखने के बाद पूरे दुनिया आज तक उससे उबर नहीं पाई है, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उबारा भी, और आज भारत श्रेष्ठ की ओर, श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। और ये संकल्प 2047 के भारत जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसको, उसके लिए संकल्प लेने का काम किया है। इसलिए आज गरीबों की चिंता करना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पहली प्राथमिकता है। 80 करोड़ परिवार को, 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज देकर जो गरीब कल्याण के काम है, इसकी शुरुआत की गई। और उसके साथ साथ पूरे देश में और बिहार, जहां डबल इंजन की सरकार की लोग चर्चा करते थे कि डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा मिल रहा है, तो बिहार जैसे प्रदेश में उसका उदाहरण देखने को मिला। 2 मार्च को हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत बिहार के लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा खाद्यान्न भोजन के तौर पर जो 5 किलो अनाज है उसको देने का काम किया जा रहा है, उसी के साथ हम लोगों ने टैग किया कि जितने लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं उन सभी लोगों को, क्योंकि इसमें 1.21 करोड़ परिवार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उस परिवार को देने का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ 58 लाख परिवार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार डबल इंजन की सरकार है, इसके द्वारा देने का काम किया जा रहा है। दोनों मिलाकर लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को 5 किलो अनाज की भी गारंटी है और 5 लाख तक के मुफ्त इलाज कराने की भी व्यवस्था है। तो ये पूरी व्यवस्था इस देश में करने का काम किया जा रहा। उसी तरह नारी शक्ति, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि नारी शक्ति, नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से पूरे देश में लोकसभा और विधान परिसभा के माध्यम से जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
33% का आरक्षण पूरे देश में देने का निर्णय लिया और आगे जो परिसीमन का गठन होगा, गठन होने के बाद पूरे देश में एक तिहाई महिला को सीधा रिजर्वेशन के माध्यम से प्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा। लगभग 10 करोड़ माताएं बहनों को पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था करने का काम किया गया। 3 तलाक, हम लोगों पे आरोप लगता है कि हम मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज के लिए कल्याण की बात नहीं करते हैं। यह कुप्रथा था। हमारे हिंदू समाज में भी, हमारे सनातन के लोगों में भी पहले कई शादियां होती थी, लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट आया उसके बाद ये सारी व्यवस्था बदली। आज 3 तलाक को पूरी तरह समाप्त करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आगे भी जो कुप्रथा है उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी। उसी तरह आप लोगों ने देखा कि महिलाओं के लिए जिस तरह गरीब कल्याण का काम किया जा रहा था, तो पक्का मकान लगभग 4 करोड़ से अधिक पक्का मकान गरीबों को देने का काम किया गया। उसमें से लगभग 55 लाख अकेले बिहार को देने का काम किया गया। और आगे भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि आगे हम 3 करोड़ जो देश में बच गए हैं लोग और जिनको जिनके सर के ऊपर पक्का मकान नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था सरकार ने तय किया है कि आगे हम चिन्हित करेंगे। घर में कई जगह बंटवारे होते हैं परिवार में, और हम चिन्हित करके जो हमारे परिवार होंगे इस देश में 3 करोड़ और पक्के मकान बनाने का काम करेंगे। और इसमें अधिकतर हमारी बहनों को इस पूरे मकान का स्वामित्व भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसके साथ युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। और लगभग 27 लाख करोड़ के निवेश के साथ भारत में पीएम मुद्रा योजना के तहत 46 हजार करोड़ ऋण प्रदान करने का काम किया गया। ये जो लोग पूछते हैं ना कि रोजगार, कुछ लोग ये समझाने का प्रयास करते हैं कि सरकारी नौकरी ही देना रोजगार होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार सरकारी नौकरी भी देती है। और हमारा कमिटमेंट है 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी पक्की बिहार में देने की व्यवस्था की गई है और एकदम अस्वस्थ रही है। मैंने आज एक नेता का बयान सुना कि नहीं हो पाएगा, एकदम अस्वस्थ रहे बिहार की जनता। 2025 के चुनाव के पहले बिहार के 10 लाख नौजवानों को हर हालत में सरकारी नौकरी देने का वादा हम पूरा करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 46 लाख करोड़ रुपया का ऋण जो है रोजगार के लिए, स्वरोजगार योजना के लिए। और बिहार में भी हम लोग 2 बड़ी योजना का काम कर रहे हैं। लघु उद्यमी योजना, जिसमें 94 लाख परिवार को हम लोगों ने चिन्हित किया है, और साथ ही साथ उसमें से लगभग 50,000 लोगों को देना शुरू भी कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग लाखों की संख्या में बिहार के बच्चों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार में जो स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान के तौर पर हम लोग देंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही साथ उद्यमी योजना हम लोगों ने 2021-22 में शुरू किया है, उसके तहत भी अभी तक लगभग 60,000 से अधिक बिहार के नौजवान को, जिनको 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं, 10 लाख में 5 लाख बिहार सरकार सब्सिडी के तौर पर दे रही है और 5 लाख रुपया मात्र 3-4% के ऋण पर उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इसलिए बिहार में या देश में कहीं भी रोजगार की चिंता नौजवानों को नहीं होने वाला है, एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। बिहार बढ़ेगा और जो ख्वाब दिखाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ जमीन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी
जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला तो वो राजा के तरह भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। गरीब कल्याण का काम कभी नहीं हुआ, नौजवानों के कल्याण का काम कभी नहीं हुआ। लगभग 15 साल शासन चले और 95,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। और मैं जानना भी चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी के परिवार के पास स्वास्थ्य विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, पर्यटन था, आरडब्ल्यूडी था, ऐसे विभागों में कितनी नौकरी निकली ये तो बताइए। अर्बन डेवलपमेंट था, इसमें कितने लोगों को नौकरी दिया। शिक्षा विभाग में तो उनके मंत्री को पता भी नहीं होगा क्योंकि पॉलिसी हम बनाते हैं, एनडीए के लोग पॉलिसी बनाते हैं। 2021-22 में हम लोगों ने तय किया कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेकर लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली का काम करेंगे। सातवें फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, 1,75,000 लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करेंगे, वही बहाली हुआ, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों को। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। साथ ही साथ देख रहे होंगे किस तरह सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, उनके आदरणीय पिताश्री जो चार्जशीटेड हैं, पंजीकृत अपराधी हैं, वो सावन के महीने पे मटन खा रहे हैं और राहुल गांधी को खिला भी रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पुत्र जो गरीब गुदरी लाख के लाल कहे जाते थे कि लालू प्रसाद तो गरीब के बेटा है, उनके बेटा या तो एरोप्लेन में बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, या मछली खाने का काम नवरात्रा के महीने में भी वही परिवार करता है। इसलिए ये लोग किसी के नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता में स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि बिहार में जब जातीय जनगणना, जातीय गणना का काम बिहार सरकार ने तय किया तो मैं मंत्री था, आदरणीय जीवेश मिश्रा जी यहां बैठे हैं हमारे साथ, ये भी मंत्री थे, और दोनों मंत्री रहते हुए 20 जून 2022 को हम लोगों ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय सर्वे का काम हम कराएंगे। उसमें तो राजद थी ही नहीं, सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता है क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाही। धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह आप देखेंगे किसान कल्याण में लगभग 11 करोड़ किसान को पूरे देश में और लगभग 83 लाख किसान को बिहार में 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। इसका मतलब है यूपीए जहां मात्र 36,000 करोड़ रुपया देकर उसमें भी घोटाला कर लोगों को यह कहती थी कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो तय कर दिया 11 करोड़ किसान को सीधा साल के 3 बार 2,000 रुपया देकर किसानों को, चाहे वो कीटनाशक दवा हो, पानी की व्यवस्था करना हो, बीज की व्यवस्था करना हो, किसान को आत्मनिर्भर बनाने में पूरा सहयोग करने का काम किया जा रहा। 2013 से 2024 के बीच में कृषि बजट 5 गुना बढ़े, 1-2 गुना नहीं बढ़े, 5 गुना बढ़ाने का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। सुरक्षित भारत बनाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। और सुरक्षित भारत का स्पष्ट मानना है कि भारत के तरफ कोई आंख नहीं दिखा सकता,
कल तक इस देश के वीर सैनिकों का सर काट कर ले जाने का काम करता था पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी, लेकिन हिंदुस्तान की सेना कोई कार्रवाई नहीं करती थी, टुकुर टुकुर ताकती थी कि श्रीमती गांधी कब बोलेंगी, प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का पूरी व्यवस्था किया गया, और जो आज से 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, सरदार पटेल ने देखा था 1947 में, और 567 रियासत को जोड़कर एक भारत बनाया गया, उसमें कश्मीर को अलग किया गया, और कश्मीर को अलग किया गया तो कश्मीर अलग क्यों? 370 हमारा कमिटमेंट था, हम 1950 में कहे, 1977 में हमने जनता पार्टी के साथ समझौता किया, लेकिन हम बदले नहीं। हमने 1989 में राम मंदिर का साथ देने का शुरुआत किया, तब भी हम बदले नहीं, और 1990 में मंडल भी हम ही लाए और कमंडल भी हम ही पूरे देश में फैलाने का काम किया। इसलिए पूरी तरह स्पष्ट है कि कमंडल और हो या मंडल हो, बिना भाजपा के समर्थन से आरक्षण इस देश में नहीं लागू हो सकता। जब जब बिहार में आरक्षण लागू हुआ, चाहे वो 1977 हो जब कपूरी सरदेव कपूरी ठाकुर जी को अभी भारत रत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, किसी सरकार ने सोचा भी नहीं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया क्योंकि अति पिछड़ों के लिए काम करने का काम। और 77 में जब पहली बार अति पिछड़े को आरक्षण दिया गया, समान महिलाओं को आरक्षण दिया, तब भी भाजपा का समर्थन था, जनसंघ का समर्थन था, और जब मंडल कमीशन आया तब भी 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था, और कांग्रेस पार्टी 197 सांसद के साथ खड़ी थी जो पानी पी पी कर विरोध कर रहे थे राजीव गांधी जी, लेकिन भाजपा मंडल का समर्थन करने का काम कर रहा था। इसलिए आरक्षण तब तब इस देश में मिला है जब भाजपा या तो सरकार में रही है या भाजपा को भाजपा समर्थन करते रही है। अति जो पिछड़ों को, मतलब स्वर्ण समाज में जो पिछड़े हुए समाज थे, जो स्वर्ण में आर्थिक रूप से गरीब थे, उनको भी 10% का आरक्षण, जब देश में पहली बार ओबीसी अति पिछड़ा का बेटा, तेली समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार स्वर्ण समाज के लोगों को भी 10% का आरक्षण देने का काम किया। ये विकसित भारत बनाने का संकल्प है, और आगे विकसित भारत बनेगा, इस संकल्प के साथ पूरा भारत खड़ा है। हम तमाम लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे कि पूरी तरह आप हमें लोगों को शक्ति दीजिए। पूरे बिहार के लोगों से आग्रह है कि पिछले बार 40 में 39 सीट हम जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं, और स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी समाज को, जब तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण मिलेगा। और दूसरे तरफ कैसे लोग हैं जो स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं, फिर दूसरे बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता हो उस पर उसको आरक्षण देते हैं, फिर दूसरी बेटी को आरक्षण देते हैं, जब लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो अपनी बेटी को राज्यसभा भेजते हैं, और अभी तो दूसरी बेटी को भी सीधा विदेश से लाकर चुनाव में उतारने का काम किया, और अभी 5 हमारी बहनें इंतजार कर रही है कि लालू जी कब हमको विधानसभा का चुनाव का टिकट देंगे, उनके साथ न्याय कब होगा। भाजपा उनके साथ खड़ी है, उस 5 बहनों के साथ खड़ी है कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ खड़ा हूं। आप सोचिए, 4 बेटा बेटी को सत्ता का लाभ दे दिया और 5 बेटी को कैसे नहीं देंगे, ये न्याय नहीं है, नारी शक्ति का अपमान होगा। इसलिए लालू जी आपको न्याय करना होगा, और आपने जिस तरह छपरा की बेटी को घर से निकाला है उसका भी हिसाब छपरा की जनता आपको तय करेगी। बहुत बहुत लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे,
मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना होगा। एक एक करके प्लीज, एक एक करके बैठ जाओ भैया, क्यों कर रहे हो ऐसा, बताओ। कौन कर रहा है ये, लालू जी को पता है क्या, है क्या 10 साल से पार्लियामेंट में, उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा और ना उस चीज के पर वो कभी काम किए हैं। अरे कभी संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान है, ये आप सोचिए ना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में, हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। और भाजपा का स्पष्ट तौर पर मानना है देश को श्रेष्ठ बनाना है, परिवार को श्रेष्ठ नहीं बनाना है। ये व्यक्तिगत किसी का बयान, हल्का सवाल मत लीजिए। अरे सरकार बनेगा क्या, ये अपने आप में मजाक है कि लालू जी की पार्टी जिसका पिछले बार खाता नहीं खुला था और इस बार भी गारंटी है कि खाता नहीं खुलेगा, और वो सरकार बनाएंगे क्या। अग्निवीर के लिए स्पष्ट तौर पर आदरणीय राजनाथ जी का बयान आ गया कि इस पर यदि समीक्षा की जरूरत होगी तो समीक्षा करेंगे, इसमें किसी को बोलने की जरूरत कहां है। देश पूर्ण रूप से नौजवानों के साथ खड़ा है, नौजवानों की जिस तरह समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। नेक्स्ट, कौन बोल रहा है, कौन विपक्ष कहां बोले हैं, एक बयान बता दीजिए। लेकिन मैं बताता हूं, आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी और सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार की राजनीति के लिए बिहार आए थे और 4,000 करोड़ का पैकेज दिया था, और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी। 2001 से लेकर 2004 तक 4,000 करोड़ रुपया मिला, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, तो देख के क्या करेंगे उनको। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, उस 4,000 करोड़ को बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में उन्होंने खर्चा किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो 1,65,000 करोड़ का बजट विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को दिया, और जिसका लगभग 75% से अधिक खर्चे हो चुके। और मुझे गर्व है, बिहार का मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। 2,61,000 करोड़ के बजट में 2,46,000 करोड़, मतलब 95% राशि खर्चा करने वाला बिहार राज्य है, तो हम खर्चा करते हैं। ये लालू जी का राज नहीं है कि अपने पेट में चारा का पैसा डाल देना, ये लालू जी का राज था। गरीबों का नौकरी खा जाना, ये लालू जी का राज होगा। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है, गारंटी है। भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा। चलिए अंतिम सवाल है जी, रुक जाइए प्लीज रुक जाओ भैया, एक को करने दो, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल, प्लीज छोड़ दो। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी है, पूरी तरह एनडीए के 3-3 प्रत्याशी हैं और हमने तो बिना चुनाव लड़ाए राज्यसभा का सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी को बनाया, विधान परिषद का सदस्य अनामिका सिंह पटेल को बनाया। इसलिए ये जिस पार्टी ने पूरी तरह माता का स्वरूप मानती हो बहनों को और बहन का दर्जा देने का काम अपने सहयोगी बहनों को करते हैं,
इसमें यह सोचने की ही बात नहीं है। और देश में कानून बनाकर व्यवस्था खड़ा करना, अपने परिवार की बेटी को टिकट देकर महिला का सम्मान नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ सम्मान तब होता है जब समाज की बहनों को मुख्यधारा में लाए। हम लोगों ने ये कानून बनाया है कि 2029 के चुनाव से इस देश में 200 बहने लोकसभा पहुंचेगी, एकदम स्पष्ट है। अंतिम सवाल ले लीजिए, अंतिम प्लीज। तब आपको ये बताना चाहता हूं कि बेचारे राहुल गांधी जी क्या कहते हैं तो हमको नहीं पता है, ना बयान उस तरह का कुछ आया है। आपका बयान है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गैस का दाम आप पता कर लीजिएगा, जो 2014 में गैस का दाम था उससे कम ही आज का भी दाम है। महंगाई क्या है, आज दुनिया में सबसे कम महंगाई वाला देश भारत है और सबसे तेज गति से भारत विकास करने वाला देश। दुनिया का जीडीपी दुनिया का पता कर लीजिए, अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, सब बैकफायर कर चुका है, लेकिन भारत श्रेष्ठ हो रहा है, एकदम स्पष्ट है।